अगर दो इंसान बारिश में भीगते हैं तो दोनों में से एक को तो बारिश के कारण सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन दूसरे को कुछ नहीं होता। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी के कारण ही कुछ लोग तो बार बार बीमार पड़ते हैं, लेकिन इसी इम्यूनिटी के कारण ही कुछ लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते। दोस्तों, मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल के इस वायरस की बात करें तो इस वायरस से बचने के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। वो इंसान जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा है उसको ये वायरस भी कुछ नहीं कहता, लेकिन वो इंसान जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो उस इंसान की बॉडी में ये वायरस प्रवेश कर जाता है और उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ सकती है, और उस चीज को कैसे खाएं और कहां मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो आप इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में ही है, घर की किचन में है, और वो चीज है लहसुन। लहसुन दोस्तों ऐसी चीज है जिसे आपको कभी भी पकाकर नहीं खाना चाहिए। अगर आप लहसुन को पकाकर खाते हैं तो उसके आधे गुण तो आप नष्ट ही कर देते हैं। यही कारण है कि आप लहसुन का फायदा नहीं ले पा रहे हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में लिखा है कि अगर आप लहसुन को कच्चा खाते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि आप सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम से हमेशा बचे रहते हैं। यहाँ तक कि लहसुन खाने से आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचे रहेंगे और आपको जिंदगी में कभी भी कैंसर जैसी बीमारी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज तक हमने लहसुन का सही इस्तेमाल नहीं किया। आइए जानते हैं लहसुन का इस्तेमाल किस तरीके से करें ताकि हम लोग बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों, आपको सुबह उठकर सबसे पहले कच्चे लहसुन का सेवन करना है। जब भी आप सुबह उठें, बिना ब्रश किए कच्चे लहसुन की एक कली को चबाकर खाएं और ऊपर से एक गिलास गुनगुने पानी का पिए, या फिर आप एक चम्मच शहद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से लहसुन की एक कली सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें तो इससे आपको जितने फायदे होंगे आप उनके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इतने फायदे हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरे गिना भी नहीं सकता, क्योंकि अनगिनत फायदे हैं दोस्तों। आपकी इतनी बीमारियां जो सिर्फ लहसुन ठीक कर सकता है, लेकिन हम लोग लहसुन का सही इस्तेमाल नहीं करते। आजकल सभी लोग यही बात करते हैं कि हमें ये बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी के दिल में बीमारी है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को टेंशन है, यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके लिए लहसुन बहुत अच्छा है। अगर आपको कैंसर की बीमारी है तो आपके लिए लहसुन अच्छा है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपके लिए लहसुन अच्छा है। कहने का मतलब है कि लहसुन हमारी ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकता है अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाते हैं। दोस्तों, लहसुन एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। अब ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, ये चीजें क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो इससे आपकी बॉडी बीमार हो जाती है। तो अगर आप उन बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं तो आपको लहसुन खाना है, क्योंकि लहसुन एंटीबैक्टीरियल है और ये हमारी बॉडी में बुरे बैक्टीरिया को एंटर नहीं करने देता। इसके अलावा लहसुन एंटीवायरल है। एंटीवायरल का मतलब है ये जो आजकल वायरस फैला है इससे अगर आपको बचना है तो ये लहसुन हमारी मदद करता है, क्योंकि ये लहसुन एंटीवायरल होने के कारण ये वायरसेस को खत्म करता है और ये वायरसेस से हमें बचाता है। अगला है, लहसुन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने का मतलब है कि लहसुन हमारी बॉडी के अंदर के डेड सेल्स को, फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है ताकि हमारी बॉडी में ट्यूमर पैदा ना हो और कैंसर जैसी बीमारी से हम बचे रहें। लहसुन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है ये हमारी बॉडी के अंदर की सूजन को, दर्द को, बॉडी के अंदर कहीं चोट लगी है तो उसे ये ठीक करता है। इसके अलावा लहसुन एंटी फंगल है। एंटी फंगल का मतलब है कभी कभार आपकी स्किन के ऊपर अगर फंगस हो जाती है, स्किन गल जाती है या दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें आप लहसुन का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं और इससे आपको एंटी फंगल जो है वो फायदे मिलेंगे और आपकी स्किन के ऊपर से दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ फायदे हैं जो लहसुन के मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे लहसुन वात और कफ में बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर तो आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको वात, पित्त और कफ को तो समझना ही होगा, नहीं तो आपको हर बीमारी के बारे में अलग से याद रखना पड़ता है कि डायबिटीज में क्या करना चाहिए, थायराइड में क्या करना चाहिए, बाल झड़ते हैं तो क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी बॉडी में वात, पित्त और कफ, इन तीनों में से कौन सा दोष इम्बैलेंस है, कौन सा दोष बड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता लगाएं कि वात बड़ा है, पित्त बड़ा है या कफ बड़ा है। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे पता चलेगा। अगर पित्त की बात करें तो पित्त दोष को हम एसिडिटी कह देते हैं, आप कह सकते हैं इसे अम्लता। अगर आपकी बॉडी में आपको लग रहा है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो चुकी है, आपके पेट में, आपके गले में आपको एसिडिटी यानी कि मिर्च महसूस होती है। इसके अलावा अगर आपको बाथरूम पीला आता है या फिर आपको गर्मी ज्यादा आती है, आपके मुंह से बदबू ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। अब अगर पित्त बढ़ा हुआ
हुआ है तो आपको लहसुन का सेवन नहीं करना। ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि लहसुन गर्म होता है और ये हमारे पित्त दोष को बढ़ा सकता है। तो अगर तो आपका पित्त बड़ा हुआ है तो लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। जब हम कहते हैं कि आप लहसुन का इस्तेमाल कीजिए तो सभी लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं देखते कि लहसुन गर्म होता है और उनके लिए वो अच्छा नहीं है। पहले आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी की जो प्रवृत्ति है वो क्या है। आपकी बॉडी में वात बड़ा है, पित्त बड़ा है या कफ बड़ा है। अब पित्त के रोगियों को लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जिनका वात बड़ा है या जिनका कफ बड़ा है उनके लिए लहसुन अच्छा है। अब वात बड़ा है इसका कैसे पता लगाएं? वात को आप सीधी भाषा में गैस कह सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है तो मतलब है आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। वात दोष बढ़ने से हर तरह के दर्द हमारे शरीर में होते हैं। कोहनी में दर्द, घुटने में दर्द, बाजू में दर्द, टांग में दर्द, सब जगह पर दर्द होगा अगर आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है। अब वात का इलाज है लहसुन। अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं, लहसुन गर्म होने के कारण ये हमारी बॉडी के अंदर की जो गैस है उसे निकालने में मदद करता है। तो अगर आप लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो इससे आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस, भयंकर गठिया जैसी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लहसुन वातनाशक होने के कारण ये आपके वजन को भी कम करता है। अगर आपको भारीपन महसूस होता है, वजन बढ़ा हुआ है, पेट बाहर निकला हुआ है, तो ये लहसुन आपके वजन को कम करने में मदद करता है। खाने का तरीका वही है, सुबह उठकर खाली पेट एक लहसुन की कली को आपको गुनगुने पानी के साथ खाना है। कच्चा लहसुन खाना है, लहसुन को पका के मत खाइए क्योंकि लहसुन को पकाने से उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। लहसुन का जो अगला फायदा है वो आपको मिलने वाला है कफ के रोग में। कफ का मतलब है सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या फिर अस्थमा। ये सारी बीमारियां अगर आपको खत्म करनी है तो सिर्फ लहसुन आपके लिए अच्छा है। कभी भी सर्दी, खांसी, जुकाम हो, अस्थमा हो तो लहसुन की एक कली सुबह खाली पेट खाएं, आपको ये सारी बीमारियों से फायदा मिलेगा। कहने का मतलब है जितनी भी बीमारियां वात से या फिर कफ से जुड़ी हुई हैं वो सारी बीमारियां लहसुन के जरिए ठीक हो सकती। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो लहसुन ठीक करता है, जैसे कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां। अगर किसी को भी हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, उसे ऐसी दवाई देता है जिससे उसका खून पतला हो जाए। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये लहसुन भी खून को पतला करता है? जब आप लहसुन हर रोज सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे आपका खून पतला होगा। खून पतला होने से आपकी जो आर्टरीज की ब्लॉकेज है, जो आपकी आर्टरीज बंद पड़ी हैं, वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी कम होने लगेगा। ये जो आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो कम होने लगेगा, जिस कारण से दोस्तों आप हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। मैं तो कहता हूं बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए, हार्ट ब्लॉकेज हो जाए उसके बाद लहसुन मत खाइए। लहसुन को जब आप स्वस्थ हैं तब खाइए ताकि आपको कभी कोई बीमारी ना हो। हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपको बीमारी ना हो। बीमारी हो जाए फिर तो लहसुन खाना ही है, लेकिन उससे पहले खाएंगे तो बीमारी होगी ही नहीं और आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बीमारी ऐसी है जिसका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता, जो कि है कैंसर, जिसे लोग दूसरी बीमारी कहते हैं। अब कैंसर से अगर आपको बचना है तो आपके लिए लहसुन बहुत अच्छा है। अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट एक लहसुन खाते हैं तो आपको कैंसर जैसी बीमारी का सामना फ्यूचर में कभी नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको कैंसर हो गया तो आप जानते ही हैं कि आपका कितना पैसा लग सकता है, और ये बीमारी परमानेंट ठीक हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जहां पर भी आपकी बॉडी में कैंसर है वहां पर से कैंसर को निकाल तो दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह 100% निकल जाए। अगर थोड़े से भी कैंसर के सेल्स फिर से रह गए तो वहां पर दोबारा से ट्यूमर बन जाएगा। हो सकता है आपका वो बॉडी पार्ट निकालना पड़े, हो सकता है अगर टांग में कैंसर है तो टांग काटनी पड़े। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि बीमारियां होने का इंतजार ना करें, बीमारी होने से पहले ही इलाज करें ताकि आपको बीमारी ना हो। तो देखा दोस्तों लहसुन के जरिए हम लोग इतनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप ऐसी ही औषधियों के बारे में जान सकें। ये जो बातें मैं आपको बताता हूं, ये जो औषधियां मैं आपको बताता हूं, ये हमारे घर के आसपास हैं। इवन कि हमारे घर की किचन में ही ज्यादातर औषधियां मिल जाती हैं, नहीं तो हमारे घर के आसपास ये सारी औषधियां हैं। ये जो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं ये वो है जो लोग पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे। पुराने जमाने में लोग इसी तरह से ही बीमारियों का इलाज करते थे। लोग डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाते थे और ना ही इतने डॉक्टर्स अवेलेबल थे। इसीलिए दोस्तों पुराने जमाने में लोग ये जानते थे कि कौन सी औषधि किस काम में आती है, लेकिन आजकल हम लोगों को ये तो पता है कि कौन से मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन डलेगी, कौन सी एप्लीकेशन कैसे चलेगी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम
मालूम कि कौन सी औषधि किस तरह से काम करेगी। दोस्तों जितना आप इन चीजों को समझेंगे उतना ही आप खुद में डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद कहता है हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है। आयुर्वेद को बनाया ही इस तरह से गया है, इतना सरल तरीके से बनाया गया है ताकि इसे हर व्यक्ति पढ़ सके, इसे हर अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके और हर व्यक्ति अपने आप में डॉक्टर बन सके। लेकिन ये जो आज की मेडिकल साइंस है, ये जो हम इसे आधुनिक साइंस या मॉडर्न साइंस कहते हैं, उसमें आप मुझे बता दीजिए अगर आपने किसी तरह की डिग्री भी कर रखी है, आप बीमारियों के नाम समझ नहीं पाएंगे। आपको जो बीमारियों के लिए दवाइयां दी जाती हैं उनके नाम आपको समझ में नहीं आएंगे, और जो दवाइयों में साल्ट्स डाले हुए हैं उनके नाम भी इतने बड़े और मुश्किल रखे जाते हैं ताकि कोई इंसान ना समझ सके, ये सिर्फ वही समझ सके जो बनाता है, ताकि हर दूसरा व्यक्ति इन चीजों से परे रहे और उसे डॉक्टर के पास जाकर अपनी फीस देनी ही पड़े। लेकिन वही दूसरी ओर आयुर्वेद ये कहता है कि आप खुद में डॉक्टर बनिए, आपको किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें, साथ में एक नोटिफिकेशन बेल भी है उसे भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद।